सोलन में अभी तक बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण ही कोरोना संक्रमण फैल रहा था, लेकिन अब कोरोना ने बैंकों के माध्यम से सोलन में पैर पसारने आरंभ कर दिए हैं। दो दिन पहले कथेड़ बाईपास पर स्थित पीएनबी बैंक कर्मी पॉजिटिव आए थे, लेकिन अब और भी बैंकों से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से शहर में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिला के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सामुदायिक फैलाव की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और उन्होंने शहरवासियों को और जागरूक रहने की सलाह दी है। इस मौके पर शहरवासियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बैंक में कोरोना पॉजिटिव आने से वहां का स्टाफ भी पॉजिटिव आ रहे हैं, जो एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि सोलन के व्यापारी पहले से ही बेहद परेशान हैं और ऊपर से अगर बैंक भी इस तरह बंद होते जाएंगे तो लोगों को व्यापार करना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक फैलाव का मुख्य कारण है कि लोग बेहद लापरवाह हो चुके हैं, वे इस बीमारी को बेहद हल्के में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब केस कम थे तब जिला प्रशासन की सख्ती ज्यादा थी, लेकिन अब केस ज्यादा हैं और सख्ती बेहद कम है। उन्होंने कहा कि कोरोना पीक टाइम पर है, इसलिए प्रशासन को और सख्ती करनी चाहिए और लोगों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, अन्यथा शहर में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। सुनने में आया है कि पंजाब नेशनल बैंक में कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वो स्टाफ भी पॉजिटिव हो गया है। ये बड़ी शोचनीय और चिंतनीय स्थिति आ रही है, क्योंकि देश में आज की स्थिति ये हो रही है कि लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। इससे 1 लाख रोज जो है भारतवर्ष में कोरोना के मरीज आ रहे हैं। ये स्थिति, इस स्थिति से बचने के लिए लोगों को अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। और जहाँ तक बैंकों का सवाल है, बैंकों की बहुत ज़रूरत है, बैंकों से बिना सारा व्यवसाय ठप है, लोग बहुत परेशान हैं पहले ही, और इस परेशानी को ना बढ़ाने के लिए हमें अपना बचाव खुद करना चाहिए और इस स्थिति से तभी निपटा जाएगा, वरना तो ये जो है स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। और देश में हालत ये है इस टाइम के, लोगों को रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग बहुत परेशानी में हैं, इस परेशानी को ना बढ़ाया जाए और जो है स्थिति को बहुत संभल के चलना चाहिए। और लोगों ने जो लापरवाही शुरू कर दी है उससे लोगों को खुद ही बचना पड़ेगा, वरना सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये मानना है, क्योंकि ये लगभग ऐसा लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड है और लोगों में दहशत का माहौल है, मगर काफ़ी लोग अभी भी लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं लगाएंगे, ऐसे घूमेंगे। सरकार को कड़ा नोटिस लेना चाहिए, सरकार को इस बात को बहुत अहम तरीके से देखना चाहिए कि ये हालात बहुत बिगड़ रहे हैं और ये हालात आगे ना बिगड़े, क्योंकि अब इससे जो है बैंक की ब्रांचेज बंद हो रही हैं, पीएनबी की कुछ और एक दो ब्रांचेज उनकी और बंद हो रही है, तो लोगों को पैसे ट्रांजैक्शन में भी असुविधा होगी, हर प्रकार का नुकसान आर्थिक भी होगा और मानसिक भी दबाव उन पे बढ़ेगा और हेल्थ का भी नुकसान होने की संभावना है। ताकि ये केसेस ना बढ़ें, इसलिए सरकार को बहुत ज़रूरी एहतियातन कदम बड़ी एहतियात से उठाने चाहिए और सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई करनी चाहिए जो लापरवाही कर रहे हैं, वरना हिमाचल प्रदेश में ये जो महामारी है इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति हाथ से निकल जाए और सरकार इसमें लाचार खड़ी दूर तमाशा देखती रहे और जनता का भारी नुकसान हो। इसलिए सरकार को समय रहते हुए चेतते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसी शक्ति शुरू में थी जब लॉकडाउन था, केसेस कम थे, उस टाइम शक्ति ज़्यादा थी, और अब ये है कि शक्ति कम होती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। सरकार को बार बार रोज मॉनिटरिंग इसकी करनी चाहिए और ध्यान से इसको देखना चाहिए, और वरना ऐसा ना हो कि सारा काम भी ठप हो, लोगों का नुकसान भी हो और लोगों को रिस्क में आने का खतरा बहुत बढ़ गया है। मेरे हिसाब से अब महामारी का पीक टाइम है, ये बढ़ती जा रही है, तकरीबन रोज 1 लाख केस के करीब देश में आ रहे हैं। लोगों को चाहिए, देखो आर्थिक
व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है, तो काम धंधे नहीं रुक सकते, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो बाजार का हो, चाहे और हो, अदरवाइज सरकार और मुसीबतों में गिरती जाएगी। लोगों को अपना बचाव खुद करना चाहिए और जो जो सरकार ने मापदंड इसमें बनाए हैं उसको सबको उस पर काम करना चाहिए, उस पर रहना चाहिए, पूरे करने चाहिए मापदंड, अदरवाइज तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कर्मचारियों को भी चाहिए कि वो जितना काम करें बड़े एहतियात से और ध्यान से करें, अदरवाइज तो देखो लोगों को सबको काम करना है, कर्मचारियों को भी ड्यूटी पे आना है, अब कितना बंद रखेंगे, कब तक बंद रखेंगे, काम तो आफ्टर ऑल करना ही है ना। तो लोगों को चाहिए, कर्मचारियों को चाहिए, समाज के हर वर्ग को चाहिए कि सरकार का सहयोग करे, सरकार को चाहिए थोड़ी सख्ती करे और जो फिजूल में लोग बगैर बात के बाजार में टर्नली मत घूमें। बैंकों में जो ये कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक बात है और लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोग दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और उनको बड़ी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि बैंक वाले भी इस बात पर गौर करें और लोगों को एहतियातन तौर पर अच्छी से अच्छी कम बैंक आने की ज़रूरत पड़े इस तरह की सुविधाएं बैंक प्रोवाइड करें।